सभी कृषक साथियों को नमस्कार। आपका कृषक मित्र मनोहर सिंह चौधरी ग्राम बिरगुदा से सभी कृषक मित्रों को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा गया था कि चौधरी जी, आप लहसुन को किस प्रकार से रखते हैं। तो लहसुन के बंडल बनाने का एक सीधा सा विकल्प है दोस्तों, कि आपको दोनों साइड लहसुन को रखना है। आपको इस साइड पर रखना है और इस साइड, मतलब आमने सामने दोनों लहसुन को रखना है, ठीक दोस्तों। इसके बाद आपको बंद से बांधना है। अब बंद की बात करें तो आपको 350 से 450 बंद के समथिंग दोस्तों आपको लगेंगे एक बीघा के अंदर। एक बीघा बंद के लिए, एक बीघा के लहसुन बांधने के लिए आपको 350 से 450 बंद की आवश्यकता रहेगी। जिसकी वेट से हम बात करें, वजन के हिसाब से, तो 10 से 12 किलो बंद आपको लगेंगे दोस्तों। इसमें एक हमने एक नया प्रैक्टिकल किया है कि ये जो आपको दिख रही है, इसमें मांजर है। देखिएगा दोस्तों, इनमें मांजर है। ये तो जनरली जो जन्मजात हम करते ही रहते हैं, पर इस बार एक नया प्रैक्टिकल किया मैंने, जो आप देख सकते हैं, आपको पास में दिखाऊंगा। इसमें हमने सभी घुंडियाँ काट दी है, इसमें टोटल घुंडियाँ काट दी हमने। मतलब इसके जो मोरिंगे थे, जिसको हम टोटी कहते हैं, मांजर कहते हैं, काट दिया थे। उसमें आप देख सकते, काट दिया है इसमें, और इसमें नहीं काटा है। एक नया प्रैक्टिकल किया इसमें, ये पूरे खेत में हमने काट दिया है। केवल 5 सरियों को रखा हमने प्रैक्टिकल के लिए, आजमाने के लिए कि इन कटी हुई लहसुन में क्या नुकसान होता है या नहीं होता है। तो ये हमने प्रैक्टिकल भी किया है, पिछली बार भी किया था और इस बार भी हमने किया है। तो ये 100% सही भी है और आप किसान साथी कर भी सकते हैं। दूसरा एक और प्रैक्टिकल किया था दोस्तों हमने इसमें, जो कि मैंने इस सरी में किया था, जो मैं आपको एक नज़दीक से दिखा सकता हूँ। ये वाला सरी था, इसमें मैंने किया था। इसमें खड़ी लहसुन में मैंने इसकी जो मांजर आती है, जिसको हम डोडी कहते हैं, उसको तोड़ दिया था। यानी यहाँ पर जो टॉप पे आता है, यहाँ पर टॉप पे जो आती है डोडी, उसको हमने सर्वप्रथम ही तोड़ दिया था। तो दोस्तों, वो और अच्छा बढ़िया विकल्प मिला है लहसुन के कंद को फुलाने के लिए। और उसमें एक विशेष डिफरेंस देखा मैंने, मतलब डिफरेंस से यदि हम कंपेयर करें तो 180 का, 180 का तात्पर्य ये है कि जिसकी हमने डोडियाँ तोड़ दी थी, डोडियाँ काट दी थी, उनमें 100% लहसुन फूगा है। और जिनमें डोडियाँ नहीं तोड़ी थी, जो जनरल व्यवसाय व्यवसाय छोड़ दिया, जैसे कि ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, इसमें इनमें हमने डोडियों को नहीं तोड़ा, हरी फसल खड़ी होने के समय की बात है ये। तो उस दौरान हमने तोड़ा भी था 2 सरियों में, और बाकी में नहीं तोड़ा। तो जिसमें हमने तोड़ा था उनमें मतलब 100% गांठ अच्छी बनी, और जिसमें नहीं तोड़ा था उसमें मतलब 80% गांठ बनी, मतलब 20% की कमी देखी गई। तो दोस्तों, इससे एक यह चीज़ भी देखने को मिली कि हम यदि चाइनीज़ और जापान की टेक्नोलॉजी को यदि यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि हम भी उनके बढ़वार के क्षेत्र में, हम भी उनके समान आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बलराम की।